हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपके अपने चैनल लाइव विद प्लांट में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, कैसे चल रही है आपकी गार्डनिंग। तो दोस्तों गार्डनिंग की श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं, सदाबहार की कटिंग कैसे लगाते हैं। हम जिस तरीके से ये सदाबहार की कटिंग लगाएंगे दोस्तों, आप इसी तरीके से किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और वो 100% कामयाब होगी, ये हमारा दावा है। क्योंकि हम इस वीडियो में आपको रिजल्ट के साथ इसकी पूरा निष्कर्ष दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये है कोकोपीट, इसमें हमने मिलाया थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा बदरपुर, कोकोपीट ज़्यादा रहेगी दोस्तों। और ये है हमारे यूज एंड थ्रो वाले गिलास, हमने इसमें होल कर ली है। आप इसमें होल कर सकते हो, कोई भी पेचकस ले, उसको गैस पे गर्म करें और इसमें सुराख कर ले। ये देखिए हमने नीचे भी किया है और साइडों में भी किया है ताकि एयर वेरिएशन इसमें बना रहे। अब हम क्या करें दोस्तों, इसमें सबसे पहले नीचे ताकि ब्लॉक ना हो ये दिए रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हो, कंकड़ी या कुछ भी, बस ताकि ये नीचे के ब्लॉक ना हो। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें एक मिनट। तो दोस्तों या तो हम दिया रख सकते हैं कोई भी पथरी, या फिर ये जूट का घास, ये जो गद्दों वगैरह में डालते हैं उसमें से निकाला हुआ है, हम इसको नीचे रखा लेंगे अपने सभी गिलास में। ये देख के हम उसमें सभी लगा लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे दोस्तों, थोड़ा जल्दी बनाएंगे। ये हमने 4 गिलास तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें कोकोपीट भर देंगे। अच्छी तरह भर लें ताकि अंदर हवा ना रहे। और ये हमारा पहला कंप्लीट। अब हम दूसरा गिलास, ऐसे करके दोस्तों हम भरेंगे अपने 4 गिलास, क्योंकि 4 ही कटिंग लगा के दिखाएंगे। आप चाहे तो जितनी मर्जी कटिंग लगा सकते हैं, किसी भी प्लांट के लगा सकते हैं इसी तरीके से, और वो कामयाब होएगी दोस्तों। पूरी वीडियो तक बने रहे, बीच में स्किप ना करें, वरना कहीं ऐसा ना हो अच्छी बात अच्छी जानकारी आप मिस कर दें। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। ये हमने ये देखिए दोस्तों, ये हमने भर लिया हमें 4 गिलास। अब एक पेचकस या पेंसिल कुछ भी बीच में होल कर लीजिए कलम लगाने के लिए। हमने इसमें होल कर लिया। अब ये है दोस्तों हमारी कटिंग सदाबहार की, हमें इसके कम से 2 नोड मिट्टी के अंदर दबाने हैं। अब नीचे से एक पत्ता तोड़ लेंगे, ये हमने 2 नोड इसके अंदर दबाने हैं। ऐसे हम सबके पत्ते तोड़ लेते हैं। ये अब ये है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा जेल रूट हॉर्मोन्स का काम करता है, तो हम इसको इसके अंदर इसका जेल लगाएंगे अच्छी तरह और इसमें दबाएंगे 2 नोड। और आप देखिएगा दोस्तों ये 100% कामयाब होएगा। आप इसी तरीके से किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। ये हमने लगा दिया दोस्तों, ये एक कटिंग बची हुई है, इसको भी इसी के साथ लगा देते हैं।
ये हमारी कटिंग लग के तैयार है दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। तो ये दोस्तों हमारी कटिंग लग चुकी है, इसको थोड़ा साइड से दबा दें पूरी तरह से। हमने ये पेचकस से होल किया था इसमें, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी अच्छी तरह डालना है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम इसकी रिपोर्ट लाएंगे अगली, इसके अंदर दोबारा पानी नहीं डालना है। तो हमने इसको पूरी तरह भर दिया है पानी से। अब दोस्तों मेन चीज़ क्या है, ये जार आप देख लो कटिंग में, इस जार का क्या काम है, इस जार का मेन रोल रहेगा दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो कटिंग लगाने का जो सीज़न होता है, या तो बसंत सीज़न होता है फरवरी लास्ट मार्च का स्टार्टिंग, या फिर रेनी सीज़न। अब क्योंकि ना तो बसंत है, फरवरी मार्च भी नहीं है, और बारिश का मौसम भी लगभग जा चुका है, तो मौसम में जो नमी चाहिए हमें कटिंग लगाने के लिए, वो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी, और उसी के लिए हम इस जार का यूज़ करेंगे। तो क्योंकि इसका मुँह थोड़ा छोटा है, तो हम इसका एक एक गिलास इसके अंदर आराम से रखेंगे। देखिए दोस्तों भाई इसमें चारों गिलास आ गए हैं। अब हम इसको ढक्कन से पूरा बंद कर देंगे एयर टाइट, ताकि भारतीय हवा अंदर ना जा सके और इसमें अंदर पूरी तरह नमी बनी रहे। और अब हम इसको रखेंगे ऐसी जगह जहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप ना पड़े। लेकिन आपको इसको कमरे में नहीं रखना है, कहीं आप सोचते हैं भाई धूप से बचाने के लिए इसको बंद कमरे में रख दे, कमरे में नहीं रखना है, बाहर सैडी छाया में रखना है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ के ऊपर धूप बिल्कुल ना पड़े, केवल रोशनी रहे। तो दोस्तों अब हम इसको रखेंगे कम से कम 15 दिन, 15 दिन के बाद की अपडेट हम आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए। तो दोस्तों आज हमें हो गए हैं पूरे 5 दिन इसको इसमें रखे हुए। अब हम इसको निकाल के देखेंगे क्या पोजीशन है, अभी देखते हैं। हाँ ये देखिए बिल्कुल हरे भरे, दूसरे निकालता हूँ। वाह देखिए दोस्तों, एक भी कलम नहीं मुरझाई, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। अब हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, अभी छाया में ही रखेंगे इसको एक हफ्ते तक, और फिर उसके बाद हम पूरी धूप में रखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगा हमारा ये एक्सपीरियंस, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों अब हम इसको सेमी सेडी छाया में रख देंगे, अभी डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बाय, हैप्पी गार्डनिंग।